स्टार्ट। स्वागत है आप सबका डिजिटली योर्स यूट्यूब चैनल पे। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो हम करते हैं इस चैनल पे अनबॉक्सिंग, रिव्यूज और ट्यूटोरियल्स, तो प्लीज सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए ताकि आप हमारे वीडियोस सबसे पहले देख सके। तो आप शौक रखते हैं अपने आईफोन से फोटोज लेके उसे सोशल मीडिया पे अपलोड करने का, लेकिन आप देखते हैं कि जो फोटोज आप लेते हैं कभी कभी उनमें वो बात नजर नहीं आती। अगर आपको ये सवाल परेशान करता है तो इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईफोन फोटोग्राफी के बारे में और जानेंगे आप किस तरह से एडिट कर सकते हैं अपने फोटोज़ को अपने आईफोन पे और उसे सोशल मीडिया पे अपलोड कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, आई एम डिजिटली योर्स और इंट्रो। तो ये आ गए हम अपने फ़ोटोज़ के ऐप में अपने आईफोन पे, और यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास दो फोटोग्राफ्स हैं जो मैंने खींचे हैं मेरे फैमिली ट्रिप में। तो आइए एक फ़ोटो खोल देते हैं। ये फ़ोटो है फ्लोरेंस से। इनफैक्ट इस फ़ोटो को मैंने अपने इंस्टाग्राम पे पोस्ट किया है एडिट करने के बाद, और उसे काफ़ी लोगों ने पसंद किया है, लाइक किया है। तो प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए, मेरा इंस्टाग्राम आईडी नीचे दिया गया है डिस्क्रिप्शन में। तो इसको एडिट करने के लिए आप सबसे पहले प्रेस कीजिए एडिट बटन, और अगर आप ज़्यादा मेहनत नहीं करना चाहते हैं तो यहाँ पे ऊपर आप देख सकते हैं एक जादू की छड़ी जो कि है ऑटो एनहेंसर। अगर आप उसको क्लिक कर देंगे तो ऑटोमेटिकली फ़ोन जो है आपके फ़ोटो को ऑटो एनहांस कर देगा, आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ आप देख सकते हैं हमने इसको ऑटो एनहांस कर दिया है, फ़ोटो थोड़ा सा ब्राइट हो गया है। अगर आप देखना चाहें कि क्या डिफरेंस है तो आप लॉन्ग प्रेस कर सकते हैं फ़ोटो पे, और आप देख सकते हैं कि ओरिजिनल फ़ोटो कैसा है और एडिटेड फ़ोटो कैसा है। लेकिन हम ऑटो एनहांस नहीं करेंगे, हम जाके थोड़े बहुत और पैरामीटर्स चेंज करेंगे। तो ऑटो एनहांसर को डिसेबल कर देते हैं, और चेंजेस करने के लिए आप प्रेस करिए इस नॉब को, और यहाँ पे आपको तीन ऑप्शंस मिल जाते हैं। एक है लाइट, दूसरा है कलर और तीसरा है ब्लैक एंड वाइट। आइए लाइट को खोल देते हैं। मज़े की बात यह है कि यहाँ पे कुछ सही गलत नहीं है, आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं अपने टेस्ट के हिसाब से, और जो फ़ोटो आपको अच्छी लगे, जो एडिट आपको अच्छी लगे, आप उसको चेंज कर सकते हैं। तो आइए इस फ़ोटो के एक्सपोजर को थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। इसके बाद हम चेंज करेंगे कॉन्ट्रास्ट को, और लास्ट में हम चेंज करेंगे ब्लैक पॉइंट। यहाँ पे आप देख सकते हैं फ़ोटो काफ़ी इंटरेस्टिंग हो गई है अभी। तो इसके बाद हम चेंज करेंगे कलर। आइए सैचुरेशन को पिक कर लेते हैं। सैचुरेशन को चेंज करने से आप देख सकते हैं जो येल्लो कलर की दीवार है वो अच्छी तरीके से हाईलाइट हो रही है फ़ोटो में। आइए कॉन्ट्रास्ट को भी चेंज कर देते हैं, और अब आप देख सकते हैं कि फ़ोटोग्राफ काफ़ी अच्छी लग रही है। अगर आप देखना चाहें कि ओरिजिनल फ़ोटो कैसा था और एडिटेड फ़ोटो कैसा है, तो आप लॉन्ग प्रेस कर सकते हैं फ़ोटोग्राफ पे, और आप देख सकते हैं एडिट को। आइए प्रेस कर देते हैं डन पे। इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि आप हमेशा अपने ओरिजिनल वर्जन पे जा सकते हैं। आपको प्रेस करना है एडिट, और यहाँ पर आपके पास ऑप्शन होगा रिवर्ट, जिसकी मदद से आप उस फ़ोटो को अपने ओरिजिनल फॉर्म में दोबारा ले जा सकते हैं। आइए एक और फ़ोटो खोल लेते हैं। ये है द फेमस लीनिंग टावर ऑफ पीज़ा, और ये एक हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट है। अब हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट की सबसे अच्छी बात यह है कि इतने सालों से एक जगह पर रहने की वजह से उनके टेक्सचर में, उनके कलर में काफ़ी फ़र्क आ जाता है और नेचुरली ब्यूटीफुल लगने लगते हैं। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे तो लीनिंग टावर ऑफ पीज़ा काफ़ी वाइट लग रहा है। तो आइए इसको एडिट करते हैं और इसकी डिटेल्स को और एनहेंस करते हैं। प्रेस करेंगे एडिट पे, और फिर जाएंगे लाइट पे, और चेंज करेंगे एक्सपोजर, फिर जाएंगे शेडोज़ पे, और उसके बाद बढ़ाएंगे ब्लैक पॉइंट। यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑलरेडी डिफरेंस नज़र आने लगा है चेंजेस के बाद। इसके बाद हम जाएंगे कलर पे और सैचुरेशन को इंक्रीज़ करेंगे। सैचुरेशन को इंक्रीज़ करते वक्त आप देख सकते हैं जो डिटेल्ड कलर है और नेचुरल कलर है उस मॉन्यूमेंट का, वो उभर के आ रहा है। उसके बाद चेंज करेंगे कॉन्ट्रास्ट। तो फिर से अगर आपको देखना है ओरिजिनल फ़ोटो कैसा था और एडिटेड फ़ोटो कैसा है, तो आप लॉन्ग प्रेस कर सकते हैं फ़ोटो पे। इसके साथ साथ कुछ और ऑप्शंस अवेलेबल हैं आपके पास फ़ोटोज़ के ऐप में। अगर आपको फ़ोटोज़ एडिट करने हैं तो प्रेस करिए एडिट पे, और यहाँ पे आप देख सकते हैं तीन सर्कल्स, ये बेसिकली फ़िल्टर्स हैं, और आप अपने हिसाब से इन फ़िल्टर्स को चूज़ कर सकते हैं और इंस्टाग्राम या फेसबुक पर अपलोड कर सकते हैं। तो इस तरह से आप एडिट कर सकते हैं अपने फ़ोटोज़ को अपने आईफोन पे,
और वो तड़का ला सकते हैं अपने फोटोज पे, जिसकी मदद से आप पा सकते हैं ढेर सारे लाइक्स और ढेर सारे फॉलोअर्स सोशल मीडिया पे। अगर आपके पास कोई ऐप है जिसकी मदद से आप एडिट कर सकते हैं फोटोज को अपने फोन पे, तो प्लीज उसको कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए, मैं कोशिश करूंगा उस पे एक वीडियो बनाने के लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो दिल खोल के लाइक करिए, आपके लाइक्स बहुत ज्यादा हिम्मत और प्रोत्साहन देते हैं मुझे अच्छा कंटेंट बनाने के लिए। और दोस्तों, अब हम टच करने वाले हैं 2000 सब्सक्राइबर्स बहुत ही जल्द, तो प्लीज मेरे चैनल को सपोर्ट करिए और मेरे वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही, मैं आपसे मिलने आऊंगा अगले हफ्ते इसी तरह एक नए वीडियो में, एक रिव्यू, अनबॉक्सिंग या ट्यूटोरियल के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए।